डे टू हमारा ट्रिप का, तो आज हो गए हैं, सुबह बज गए ऑलमोस्ट 11, हमारा चेकआउट का टाइम हो गया है, हमने कर ली है पूरी तैयारी, निकल रहे हैं हम। एक चीज़ हो गई है प्रॉब्लम कि हम अडेप्टर लाना भूल गए, मैं अडेप्टर लाना भूल गया, उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें हैं टूथपेस्ट जैसे कि वो भी हम भूल गए, तो वो जाके हम लेंगे, हम जाएंगे और यहाँ से निकल रहे हैं। आज शाम के लिए रुके थे, अब पिंकी चलाएगी गाड़ी, हम दोनों चिल मार के बैठेंगे साइड में। तो मैं बैठा हूँ, मैं आगे आगे बैठ तू बैठ, नहीं नहीं उसको दे इंस्ट्रक्शन देते रहना, तो योर ड्राइविंग है, नो यू आर ड्राइविंग, यू सेड यू विल ड्राइव नाउ, ऑलराइट पिंक्स गुड लक टू यू, वी आर टेकिंग द हाईवे, हाईवे और माय वे। अब भाई तुम लोग गाड़ी चलाओगे नहीं तो तुम्हें कैसे आइडिया आएगा कि कैसे चलानी है कि नहीं, हाँ मैं ही चलाता रहूँगा तो फिर यू विल नेवर लर्न। सो यहाँ से जा रहे हैं हम हार्बर फ्रंट, जो कि सिर्फ 8 मिनट दूरी पर, गोना गो थोड़ा वॉक करेंगे वहाँ पे, देखेंगे लंच लंच का कुछ ऑप्शन है या फिर कहीं और करेंगे, बट लेट्स सी। कयाकिंग के लिए पिंकी बोल रही है कयाकिंग भी कर सकते हैं, एक्चुअली नथिंग इज प्लान क्योंकि हमारा जो मेन प्लान था वो कैंसिल हो चुका है ड्यू टू वाइल्ड फायर, दैट इज वाई हम अब पूरा फ्री वे कर रहे हैं हर चीज़, यू नो जस्ट लाइक बैकपैकर्स। इंटरेस्टिंग जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है, मम्मी को काफ़ी पसंद आई, काफ़ी सारी फोटो शूटिंग करी हमने यहाँ पे, यहाँ पे प्राइवेट प्लेन टूर्स वगैरह भी होते हैं तो वो भी आप शायद ले सकते हैं। ननाइमो वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए भी बढ़िया है, या इट्स वेरी गुड। तो यहाँ पे एक ट्रेंड है, अगर जैसे कोई भी किसी का रिलेटिव मर जाता है तो अपने रिलेटिव से रिलेटेड ये पार्क में बेंच वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी बेंचें लगी हुई हैं और उनमें चीज़ें लिखी हुई हैं कुछ उनके बारे में मेरे ख्याल से एक्सेट्रास, और काफ़ी सारे लगे हैं तो वो भी काफ़ी यहाँ पे एक तरीके का कल्चर रहता है दीज गाइस फॉलो। यहाँ पे काफ़ी सारे टूर की एजेंसी वगैरह हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, यू कैन टेक द सी टूर या फिर व्हेल वगैरह देखने के लिए। व्हेल देखने के हमने प्राइस चेक किया अराउंड $175 पर पर्सन सस्टेनेबल और गारंटी लिखा हुआ व्हेल वॉचिंग, तो इफ़ यूर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर इट, यू आर नॉट गोइंग क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और हमने ये सब प्लान नहीं किया था, पर यार लुक्स इफ यू आर इनटू व्हेल वॉचिंग व्हाई नॉट। भाई लोग हम लोग बैठे हुए स्टारबक्स में, मम्मी पी रही है चाय लाते, मम्मी कैसी लगी चाय लाते? बहुत अच्छी है, है ना, चाय मिल गई, चाय लाना भूल गया हम लोग इधर, चाय पत्ती नहीं लेके आए, तो चाय पियो तुम, हम लोग गाड़ी लेके आते हैं, ठीक है, मजा आ गया मम्मी को चाय पी के, मीठी है ना, मीठी फाइनली, इसको कॉफी के इसके बहुत हुआ है नखरे, ये कॉफी अच्छी नहीं है, वो कॉफी अच्छी नहीं है, अब जाके अच्छी चाय मिली है। पिंकी तू क्या पी रही? कोल्ड कॉफी, आइस लाटे, आइस लाटे, ऑल राइट, दीस गाइस आर हाई ऑन कॉफी कैफीन नाउ। अब भाग के जा गाड़ी लेके आ, भाग के जा गाड़ी लेके आ। हम लोग डॉलर हमें आ रखे, पिंकी ने बोला यहाँ पे हर चीज़ $1 की मिलती है, मेरे को तो कुछ भी नहीं लग रहा $1, ये है $2 का लेकिन $1 का नहीं है, ओके डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ना यहाँ देख रहे थे तभी मैंने देखा यहाँ पे एडविल भी मिल रहा है, तो एडविल मैंने सुना है कि जैसे हम लोग वहाँ पे पैरासीटामोल लेते हैं ना हर चीज़ के लिए, ये लोग एडविल लेते हैं हर चीज़ के लिए, नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी फेमस है एडविल, एडविल और सही चीज़ है कि यहाँ पे ना प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी उठा सकता है, हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे सब चीज़ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रहती है, यूरोप में रेगुलर मेडिसिन कुछ नहीं मिलता उधर, नॉर्मल वो मिलेगी जिसमें मेडिसिन नहीं है। ओए टूथपेस्ट की, टूथपेस्ट याद आ गया, टूथपेस्ट याद आ गया, हम टूथपेस्ट भूल गए थे, लेट्स सी बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन $1 का तो नहीं है, पिंकी डॉलर रामा तूने मेरे को बड़ा पसंद आया डॉलर रामा, ये देख $1 का मैक्स फ्रेश, या लेट्स टेक इट। पिंकी आप हमको गाड़ी चला के लेके आ गई है एक छोटे से गांव में जिसका नाम है लेडी स्मिथ, यहाँ पे कयाकिंग करने की कोशिश करेंगे हम, देखते हैं कोई कर तो नहीं रहा है और ठंड मेरे को लग रहा है काफ़ी, इट्स ब्रीजी क्वाइट हियर, लेट्स चेक इट आउट दिस टाउन कॉल्ड लेडी स्मिथ। छोटा सा है ना, ओ ये तो जिंदा है शायद, मर गया, मर गया शायद, पानी में डाल दो, मर गया लग रहा है मम्मी इधर पानी के पास, पैसिफिक ओशन में है, डर भी लग रहा है, ज्यादा ठंडा नहीं है, ठंडा नहीं है मम्मी, हां ज्यादा ठंडा नहीं है, डर भी लग रहा है समुद्र में, बाहर
हाँ तो तुम्हें थोड़ा अंदर तैर के जाना है, इतने सारे शंख मिले यहाँ है ना। तो इसको बोलते हैं इंडिया ले जाते हैं। हाँ वो तुम्हें तो हर चीज इंडिया लेके जाने की है। इंडिया जहाँ घूम रहा है वही तो। मम्मी आप इंडिया नहीं जा रहे हो, व्हाट टाइम। ऑलराइट गाइस, अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। कायाकिंग तो हमने करी नहीं, बिकॉज इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। मैंने खाना ज़्यादा खा लिया यार, कौन कौन करेगा इतनी मेहनत चप्पू चलाने में। इससे अच्छा सीधे चलते हैं कहीं और। तो हम अपनी जर्नी बरकरार रखते हुए जा रहे हैं विक्टोरिया की तरफ। बीच में कहीं तो रुकेंगे एक ब्रिज देखने के लिए, जो पिंकी ने मैप में देखा था। इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट दैट ब्रिज। गाइस तो अब हम आगे वापस। तो आपने देखा होगा काफी बढ़िया ब्रिज था। मम्मी तुमको ब्रिज पसंद आया? काफी लंबी वॉक थी लेकिन ना फिर तुम्हारे लिए। हाँ मेरे लिए तो दूर एक किलोमीटर की दूरी है यहाँ से पार्किंग से, लेकिन ब्रिज जो था वो काफी अच्छा था। हमें काफी सारी पिक्चर खींची, बताई थी, वी रियली लाइक इट। काफी सारी हाइकिंग के ट्रेल्स हैं यहाँ पे। हम दोनों ने तो छोटी सी हाइकिंग करी जल्दी से, लेकिन यहाँ पे लोग एक एक दो दो दिन की हाइकिंग भी करने के लिए चले जाते हैं। क्वाइट नाइस प्लेस। यहाँ का नाम भूल गया मैं, समथिंग ट्रेस्टल नीचे डाल दूंगा अदरवाइज। लेकिन बट वॉज दिस वॉज द ब्रिज, वेरी नाइस ब्रिज। हम तो देख के दंग रह गए कि कैसे बनाया होगा पूरा वुड का इतना बड़ा। या नॉट इन यूज एनीमोर, पर या वाज अ नाइस राउंड। ओके, इसके बाद हम जा रहे हैं वापस अपना एयरबीएनबी। वहाँ पे खाना वाना खाएंगे, चिल करेंगे। आज काफ़ी सारी वॉक हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें करी हमने और चिल मारेंगे। तो कल देखेंगे क्या होता है नया चीज़। और लेट्स गो टू आवर एयरबीएनबी। वो मैं दिखाता हूँ आपको कि एयरबीएनबी हमने कैसे बुक किया है विक्टोरिया के पास। लेट्स गो। ये है हमारा एयरबीएनबी रूम विक्टोरिया में। काफ़ी अच्छा सोफा है, टीवी भी है काफ़ी बढ़िया। इस एयरबीएनबी में डिफरेंट ये है कि हमारे पास किचन है, सो दैट्स गुड, बट ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोना कुक मच। ओह लुक्स नाइस। ये है किचन, फ्रिज वगैरह खाली पड़ा है क्या? हाँ तो तुम्हारे लिए क्या वो भाजी बना के रखेंगे इधर। केचप वी हैव द माइक्रोवेव। लेट्स सी कॉफी वगैरह कुछ है इधर। ओके गॉट द कॉफी, फिल्टर कॉफी भी है। वॉशरूम और कपड़े धोने के लिए भी है। कपड़े भी धो सकते हैं हम अपने यहाँ पे, वेरी गुड। और ये है बड़ा सा वॉशरूम। वो दिस इज नाइस नाइस नाइस। बढ़िया ना मम्मी, बड़ा सा ऐसा इतना बड़ा बाथरूम मेरे को बढ़िया लगे। कुछ नहीं दिखा रहा है और क्या। ओह ये तो बहुत ही बड़ा बेड है। ये है बेडरूम, ये है बेडरूम, नाइस एंड स्मॉल। तो मम्मी कौन सा बढ़िया लगा तुम्हें, ये वाला कि जहाँ पे आप अभी हम पहले थे? ये सही लग रहा है ना, ये ज्यादा बड़ा ही लग रहा? नहीं बड़ा तो नहीं लग रहा नहीं, लेकिन बढ़िया बढ़िया कौन सा लग रहा है, ये वाला कि पुराना वाला जो जहाँ से अभी आया? वो वाला सही था, थोड़ा बड़ा था वो। ओके गुड। आइदर वे पिंकी, हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस? $340 $380 or $340, I don't remember, but it is That's like $160 per night. खिड़कियाँ बंद करो, ठंडी लगती है। No more. It's $180 almost. $180 per night, but for three but people. But it was Victoria was too expensive. Victoria is always expensive. How much were you getting it for normally? If you get it like in Victoria, we are a little away from Victoria. But अगर Victoria में लेते, it would have been $600. $700, $2,800. तो यहाँ पे काफी expensive है, लेकिन हमको तीन जनों के लिए मिल गया, because हमने car rent करी है, तो we do not have an issue कि थोड़ा सा अगर बाहर भी रहे तो बाहर रहने का अपना ही मजा रहता है। But this is a huge place for $360-$370 for three people. तीन लोगों के लिए इतना भी खराब नहीं है, but yeah, Canada can be an expensive place, especially if you're going to these islands. Otherwise, we really like the apartment. It's quite good. Alright guys, तो शाम के 9-10 बज रहे हैं, हम काफ़ी थके हुए हैं, खा रहे हैं अपना डिनर। बेसिकली थोड़े बहुत चीज़ें हम लेके आए हैं, वॉलमार्ट गए थे जल्दी जल्दी, वॉलमार्ट यहाँ पे काफ़ी पास में है, तो वहाँ से अपना थोड़ा सामान लेके आए। उसके अलावा
कल का जो हमारा था वो भी पड़ा हुआ है वो ख़त्म करेंगे। काफ़ी सारा सामान हम खरीदने में हमें मज़ा आता है लेकिन खाते हम ज़्यादा है नहीं, लेकिन होपफुली हम अगले दो दिन में सब खा सकें ताकि, क्योंकि हमें वापस जाना है टोरंटो के लिए, फ्लाइट है अगले दो दिनों में। उसके अलावा हम लोग काफ़ी थक चुके हैं। क्यों मम्मी, आज तो काफ़ी थक लगी है, आज तो आराम से सीधे जाके सो जाओगे। तो ये रहेगा बस, अपना खाना पीना खा के 9:30 ऑलरेडी बज गए हैं, तो खाना खा के हम सो जाएंगे। फिर कल जाएंगे विक्टोरिया, यहाँ पे जो शहर है यहाँ पे वो देखने। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इन विक्टोरिया चिंग्स? गुड क्वेश्चन, हमारा स्पॉन्टेनियस प्लान है राइट, सो वी विल फिगर समथिंग आउट। ऑलराइट, सो वी विल फिगर समथिंग आउट। विक्टोरिया सिटी है, यहाँ पे सबसे बड़ी सिटी है क्या इस आइलैंड की? काइंड ऑफ या। ओके, मेरे ख्याल से हाँ ओके, यहाँ की सबसे बड़ी शहर है, तो वहाँ पे जाके देखेंगे, कुछ ना मिल ही जाएगा इंटरेस्टिंग, ना तो खाएंगे पियेंगे ऐड करेंगे और क्या। कल मिलते हैं आपसे।